जिला कटनी बिलेरी चौकी क्षेत्र में तेज रफ्तार अनियंत्रित बस पलट गई, जिसमें दो दर्जन से अधिक लोग घायल होना बताया गया। घटना पर ओहा पिपरिया ग्राम के पास की बताई गई, जहां रीठी से सिहोरा जा रही पांडे बस सर्विस की एक बस सकरी पुलिया से बचने के लिए ब्रेक मारा, लेकिन रफ्तार अधिक होने के कारण बस पेड़ से टकराकर पलट गई। घटना में करीबन दो दर्जन से अधिक लोग घायल हुए, जिन्हें स्थानीय ग्रामीणों के माध्यम से बाहर निकाला गया। डायल 100 और 108 एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल भेजा गया। वहीं कुछ घायलों को गंभीर चोटें भी आई, जिनका इलाज जारी है। बिलेरी चौकी प्रभारी कृष्ण कुमार पटेल ने बताया कि बस के हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची एवं राहत बचाव कार्य में जुट गई। घटना की वजह निर्माणाधीन पुलिया का सकरा होना बताया गया, जिसे देख बस रोकने की कोशिश की गई, लेकिन बस पेड़ से जा टकराए और 25 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। कटनी मध्य प्रदेश से रमेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। ये पांडे बस है जो रीठी से सिहोरा के बीच चलती है। आज करीब 10:30 बजे पिपरिया परोहा के पास में एक पुलिया है, निर्माण हो रहा है पुलिया का, उसके पास जैसी बस पहुंची तो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिससे बस पलट गई। बस में बैठे करीब 20-25 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 4-5 लोगों को चोट ज़्यादा आई हुई है। सभी लोगों को गाँव वालों की मदद से तत्काल जिला अस्पताल कटनी उपचार हेतु भेजा गया है। किसी को गंभीर चोटें भी आई हैं क्या? हाँ, बस पलटी है, चोटें तो आई हैं। क्या नाम सर आपका? कृष्ण कुमार पटेल।